केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन की सुरक्षा के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। भारत में सब कुछ विस्तार से जांचा गया है, इसके बाद ही इसके इस्तेमाल की योजना बनाई गई है। आज देश भर में वैक्सीन का बड़े पैमाने पर ड्राई रन चल रहा है ताकि टीकाकरण से जुड़ी खामियों को दूर किया जा सके। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक दिवसीय टीकाकरण अभियान संचालित कर रहा है और उससे जुड़ी कमियों और विशेषताओं को इंगित कर रहा है। नई दिल्ली में ड्राई रन अभियान की प्रगति समीक्षा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, वैक्सीन की सुरक्षा के बारे में कोई अफवाह नहीं होनी चाहिए। सब कुछ विस्तार से जांचा गया है। जब पोलियो वैक्सीन अभियान शुरू हुआ था तब भी कई तरह की अफवाहें फैली थीं। लेकिन एक बार जब ये धरातल पर उतर गया तो सभी लोग उसकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त दिखे। सभी लोगों को सुरक्षा की चिंता करते हुए हर्षवर्धन ने एक दशक पहले शुरू किए गए पल्स पोलियो अभियान के दौरान उभरी अफवाहों का जिक्र किया और उसी से कोरोना वैक्सीन से जुड़ी संभावित अफवाहों की तुलना की। मंत्री ने कहा कि सभी तरह के सुरक्षा मानकों की जांच की गई है, हालांकि अभी वास्तविक वैक्सीन सामने नहीं आई है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।